नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो तुम्हारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूनिट 3 है उसमें एक चैप्टर है एजाइलम। पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक्सट्राडिशन, इस चैप्टर में पढ़ेंगे एजाइलम कि किन किन बंदों को अदर देश अपने वहाँ शरण दे देते हैं और क्या क्या कंडीशन उनकी होती हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एजाइलम। एजाइलम का जो मीनिंग है, इंट्रोडक्शन, इसमें बोला गया है कोई ऐसा बंदा जो राजनीतिक अपराध करके आया हो या फिर कोई मिलिट्री ऑफेंडर हो और किसी दूसरे देश में घुस के अपनी जान बचा के भाग के दूसरे देश में पहुंच गया है, तो उसको वह देश एजाइलम दे देता है, शरण दे देता है और रोटी कपड़ा मकान भी देता है, ऐसा बोलता है इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 एजाइलम जो पूछा जाए तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिखोगे। और तुम्हारा जो शरण मांगने का अधिकार है जो कहाँ पे दिया है पता है? जो अजाइलम मांगने का अधिकार है वो लिखा है UDHR के आर्टिकल नंबर 14 में। UDHR के आर्टिकल 14 में लिखा है कोई बंदा शरण मांग सकता है, ठीक है, कोई बंदा शरण मांग सकता है। UDHR के आर्टिकल 14 में लिखा है कोई बंदा शरण मांग सकता है, अजाइलम मांग सकता है। अब अजाइलम के प्रकार देखते हैं क्या क्या हैं। पहला जो है तुम्हारा टेरिटोरियल अजाइलम है ना, जैसे कोई एक बंदा भारत से पॉलिटिकल क्राइम करके अमेरिका भाग गया है, उस बीच में दो कंट्री होती हैं जो आपको एक्स्ट्राडिशन में हमने बताया था। क्या बताया था? एक्स्ट्राडिशन में दो कंट्री होती हैं। पहला कौन सी कंट्री होती है? एक तो रिक्वेस्टिंग पार्टी, दूसरा टेरिटोरियल पार्टी। तो अब हमारे वहाँ से तो बंदा भाग गया तो हम रिक्वेस्टिंग पार्टी हुए, अमेरिका गया तो वो टेरिटोरियल पार्टी हुई। तो टेरिटोरियल इसमें लिखा भी है टेरिटोरियल अजाइलम, जैसे कोई पॉलिटिकल क्राइम करके भागा बंदा, कौन सा क्राइम? पॉलिटिकल क्राइम, तब ये टेरिटोरियल अजाइलम उसको मिल जाएगा बंदे को, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइम के केस में ना कोई कंट्री किसी बंदे को हैंडओवर नहीं करती, क्योंकि उसकी जान की जान और उसकी स्वतंत्रता और उसकी डेमोक्रेटिक इक्वलिटी की बहुत वहाँ पे खतरा है, इसीलिए तो वह किसी दूसरे देश में भाग के गया, वह स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा था बंदा, इसीलिए उस देश को उसने छोड़ा है। तो पॉलिटिकल क्राइम के केस में उसको एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाता है, उसको वापस नहीं किया जाता है, ये कहता है हमारा इंटरनेशनल लॉ। दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम है ना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम में क्या बोला गया है? जैसे आपको बताया था कि एक्स्ट्राडिशन के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसमें बोला गया था ना ऑफेंस ऑफ मिलिट्री ऑफेंडर, जो मिलिट्री का अपराधी होता है वह किसी देश की एम्बेसी में चला जाएगा तो उसको भी एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा, उसको अजाइलम दे दिया जाएगा। यहाँ पर सीधी सीधी दो बातें लिखी हैं, अजाइलम मतलब शरण देना और UDHR का आर्टिकल 14 के तहत कोई व्यक्ति शरण मांग सकता है किसी भी देश से, और लेकिन क्राइम किया हो। क्राइम क्या हो? पहला टेरिटोरियल अजाइलम जो है उस व्यक्ति को मिलेगा जो पॉलिटिकल क्राइम करके आया हो, राजनीतिक अपराध करके आया हो, है ना, भारत में स्वतंत्रता की खतरा हो या फिर अन्य कोई खतरा हो तो उसके लिए वह विरोध कर रहा हो भारत में, तो उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया गया हो, तो वह पॉलिटिकल क्राइम के केस में टेरिटोरियल अजाइलम मिलेगा। रोटी कपड़ा मकान हर देश मुहैया करवाता है ऐसे अपराधी को और उसे एक हैंडओवर नहीं किया था वापस देश को। फिर आ गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम किन के लिए है? ये जो हमारा मित्रों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम है वह एक्स्ट्राडिशन ऑफ मिलिट्री ऑफेंडर के बारे में बात करता है, कोई मिलिट्री का अपराधी है किसी दूसरे देश की एम्बेसी में चला गया है तो उसका भी एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है, वही की एम्बेसी उसको शरण दे देती है ना। अब आपको बता दें कि अजाइलम जो है भारत में किस व्यक्ति को मिला था, है ना, भारत ने किसको शरण दी थी, भारत ने किसको अजाइलम दिया था, ये कौन बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे पहले हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको पता है तो। भारत में सबसे पहले अजाइलम किसको मिला था? एक चीन के निवासी थे जो वहाँ पर अपने स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर पॉलिटिकल खतरा हो गया था, है ना, तो उनको पॉलिटिकल क्राइम उन्होंने कर दिया था, तो वो व्यक्ति कौन थे? दलाई लामा, चीन के निवासी थे दलाई लामा।
जिनको भारत ने अपने वहां अजाइलम दे दिया था, है ना, जिनको भारत ने अजाइलम दिया था। तो सबसे पहले भारत में अजाइलम पाने वाले व्यक्ति का नाम है दलाई लामा, जिनको भारत ने सबसे पहले अजाइलम दिया था। तो ये हो गया अजाइलम का चैप्टर। समझ में आया हो या ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।